नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडिया इक्विकेडिंग स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, बेरोजगारों को मिलेगी बड़ी राहत। तो राहत बहुत अच्छी खबर है, यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। ये रहा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से अपडेट है। मुख्यमंत्री ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए लिया बड़ा फैसला। अब अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त। अब अधिकांश जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान में, उनमें अब इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इंटरव्यू में गपलाबाजी होती है। अपडेट है, संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में नहीं होगा साक्षात्कार। संवाद कौशल वाले जो पद है उनको छोड़कर अन्य भर्तियों में नहीं होगा इंटरव्यू। RS अधीनस्थ सेवा व अन्य सेवा, चार अन्य सेवाओं में होगा साक्षात्कार, यानी कि RS की परीक्षा में होगा और अधीनस्थ सेवाओं में होगा और चार अन्य सेवाओं में साक्षात्कार होगा, इसके अलावा साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार का 12 अंक वेटेज कुल अंकों का अधिकतम 10% होगा, यानी कि जैसे 100 नंबर का आपका कुल 12 अंक है तो आपके 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी कि 10% होगा मात्र। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे 400 का है तो 40 नंबरों का हो गया, 10% होगा केवल। और आगे अपडेट है यहाँ पर, पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराने के लिए संकल्पित राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो है संकल्पित है पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराने के लिए। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार दी है। उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अपडेट है, प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों पर कुछ विशेष सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा। इनमें भी साक्षात्कार का 12 अंक यानी कि वेटेज होगा कुल अंकों का अधिकतम 10%, इससे कम ही होगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अपडेट है आगे यहाँ पर, ऐसे चार सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया है जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जहां पर संवाद वाद विवाद करना पड़ता है वहां के भी जो है इंटरव्यू होगा। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है। अगली अपडेट है, उल्लेखनीय है कि 10 मई 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय लिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी बात है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री ने ये अपडेट दी है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की अपडेट कैसी लगी, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि ये जो निर्णय लिया है ये अच्छा है, स्वागत करने योग्य है। धन्यवाद।